किया भरत ने प्रथम ही नमोकार का जाप। फिर निज आत्म ध्यान धर मेटे सब संताप। ऋषभ देव जिन राज को वंदन बारंबार, फिर सब अपने काम में लगा सभी दरबार। सारा दरबार उपस्थित है सब अपने अपने आसन पर, और सभी के मध्य विराजे भरत राज सिंहासन पर। मंगलाचरण का पाठ सभी जन सबसे पहले करते हैं, श्री ऋषभ देव के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं। अंदर से एकदम शांत भरत सबको समझाने लगते हैं, श्री ऋषभ देव के अनंत गुणों के गाने गाने लगते हैं, श्री ऋषभ देव के दिव्य ज्ञान की गौरव गाथा गाते हैं। वृषभेश्वर की रीत रागता का स्वरूप समझाते हैं। ऐसा ना हो और ऐसा हो, ऐसा कुछ भावना उनको है, जो कुछ जैसा हो रहा जहाँ वे सहज जानते रहते हैं। जिसको जैसा है भाव सहज वे उसे जानते हैं पूर्ण, उसकी रग रग को पहचाने गहराई जाने संपूर्ण। सभी परिणमन उनके सहज ज्ञान में है आते, पर उनके दिव्य ज्ञान को वे सब नहीं तरंगित कर पाते। कोई भी घटना दुर्घटना ना उनको आकुल करती है, रे उनका ज्ञान जलोदधि तो नित शांत निराकुल रहता है। सब जानी पर शांति न खंडित होती है, यह वीत रागता की महिमा जो उनको मंडित रखती है। सर्वज्ञ वीत रागी जिन वर वे नहीं किसी से जुड़ते हैं, बस अपने में ही रहते हैं, बस अपने में ही रहते हैं। वे भरत राज कुछ देर शांत ऐसे ही कहते रहते हैं, कुछ देर शांत बैठे रहते फिर एकदम कहने लगते हैं। अब चलो सभी हम मिलजुल कर आयुधशाला में चलते हैं, और चक्र रत्न का यथा योग्य विधि पूर्वक स्वागत करते हैं। क्षेत्र के छह खंडों की नृपगण को अपनाने की तैयारी करते हैं, मिलकर दिग्विजय यात्रा करने की। मंत्री गण और सेनापति मिल सब तैयारी में जुट जावे और बनावे कार्यक्रम, फिर हमें सभी कुछ बतलावे।
मुहूर्त में निकले हम दिग्विजय यात्रा करने को। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर हमें जाना होगा। श्री गंगा तट पर बसे हुए राजाओं से मिलना होगा। विजय यात्रा का मकसद उन सबको समझाना होगा। यह भरत क्षेत्र प्राकृतिक रूप से छह खंडों में बटा हुआ, फिर खंडों के भी खंड खंड कर दिए अनेकों नृपगण ने। सबको अखंड करना होगा इस भरत क्षेत्र की गरिमा को, इस भरत क्षेत्र के गौरव को, इस भरत क्षेत्र की महिमा को। छोटे छोटे नृपगण आपस में लड़ते रहते हैं बिन कारण ये छोटे नृपगण। इन झगड़ों से मतभेदों से खंडित होता है यह भारत। हो गए यदि हम सब अखंड तो मंडित होगा यह भारत। हर विकास के काम नहीं हो पाते हैं इन खंडों में। गंगा जैसी बड़ी नदी बट जाती कई भूखंडों में, उसका बंटवारा करने को सब राज्य झगड़ते रहते हैं। इन नदियों पर फिर बड़े बड़े रे बांध नहीं बन सकते हैं। इन बांधों के बिना सिंचाई कैसे होगी खेतों की। अरे सिंचाई बिना जुताई कैसे होगी खेतों की। फिर अनाज का उत्पादन भी कैसे होगा खेतों में। फिर विकास के काम भला कैसे हो पावे भारत में। सभी तरह की सुख सुविधाएं तभी मिलेंगी जन जन को। जब भारत क्षेत्र विकसित होगा तब शांति मिलेगी जन जन को। यह भारत जब होगा अखंड तब ही इसका विकास होगा। विकसित होने पर जन जन को रे इसका लाभ प्राप्त होगा। की उपलब्धि ने हमें जगाया है मानो। यह काम हमें ही करना है यह हमें जताया है मानो। यदि नहीं करेंगे हम तो फिर यह कौन करेगा बतलाओ। रे हाथ हिला कर बुला रहा आओ आओ विकसित करने की जिम्मेदारी हम सब की, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रिया खुल कर करते आए हैं। ना भिराया खुल करने अब तक अरे बहुत कुछ काम किया। ऋषभ देव ने उसे बढ़ाया बाकी करना है हमको। टुकड़ों टुकड़ों में बटी भूमि को हमें एक करना होगा। भारत क्षेत्र के खंडों को रे हमें एक करना होगा। फिर अखंड यह भारत भूमि पूरी विकसित करनी होगी। खेतों और खलिहान
पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह लोग आवे जावे, इसलिए जुटानी होंगी सब आने जाने की सुविधाएं। मार्गों का निर्माण कराना होगा सारे भारत में, रेल विकास के कार्य कराने होंगे सारे भारत में। दिग्विजय यात्रा नहीं भरत की इच्छा पूरी करने की, रे चक्रवर्ती बन जाए भरत यह नहीं बात बस इतनी ही। कर्म भूमि का हो विकास और भरत भूमि भी विकसित हो, सबको विकास की राह मिले आराम प्राप्त जन जन को हो। सित करने की राह चुने, अपने पथ का निर्माण करे, अपने विकास का काम करे, सबको सुविधाएं मिले सभी, सब अपने मन का काम चुने, सबको पूरी आजादी हो, जो चाहे वे बस वही बने। भरत बने सम्राट बात बस इतनी नहीं समझना तुम, भरत क्षेत्र के सभी नागरिक सब सुविधाएं प्राप्त करें, बस यही चाहता हूँ मैं तो, ना कोई सुविधाहीन रहे। रोटी कपड़ा और मकान की नहीं किसी को कमी रहे। नहीं भावना मेरी यह, सब दुनिया मेरे वश में हो, मैं तो बस यही चाहता हूँ यह सारा जग स्वाधीन रहे, सब मिलकर संपूर्ण क्षेत्र को विकसित कर संपन्न बने, रे विकास के कामों में सारे जन भागीदार बने। यात्रा में सहयोग करें, सहयोग करें समझाने में, इस भरत क्षेत्र को एक अखंडित करने और कराने में, जब हम सब होंगे एक हमारा भरत क्षेत्र विकसित होगा, हम सब होंगे संपन्न, हमारा मन भी आनंदित होगा। यही चाहते हैं कि आप प्रस्ताव हमारा स्वीकारें, और विकास के कामों में भी हाथ बटाना स्वीकारें, अरे आज के ही समान सब राज्य व्यवस्था आप करें, बने हमारे सहयोगी सब, सब कामों में साथ रहें। पूर्व दिशा के सभी नरेशों के दिल मीठे बोलों से, जीता भरतेश्वर ने सबको मीठे मीठे संबोधन से, सबने उनका आतिथ्य किया और लाद दिया है हारों से, और अपनी बहन बेटियां दी सम्मान किया उपहारों से। इस तरह भरत ने राजाओं को
अपने पन से मोड़ लिया, संबंध बना कर प्रेम भाव से नजदीकी से जोड़ लिया, सबको अपना पक्का साथी और हित का चिंतक बना लिया, लड़कर मिल सकता नहीं कभी, अपना कर वह सब प्राप्त किया। अपनापन सच्चा मार्ग है, अपनापन जीवन का साथी, मानो तेरा स्वागत करने आया है रावत हाथी, आया है रावत हाथी, तेरा जागा सौभाग्य रे, अपना ले इसको जीवन में तो ही तेरा सौभाग्य जगे। यदि अपनापन अपने में हो तो सम्यक दर्शन होता है, यदि अपने को अपना जाने तो सम्यक ज्ञान महकता है, जब अपने में ही रम जावे जम जावे केवल अपने में, यह ही है भाई आत्म ध्यान, इसको ही चारित कहते हैं। सम्यग दर्शन ज्ञान चरित प्रगटे इस मानव जीवन में, तो देर नहीं है फिर भाई भव से मुक्ति के मिलने में, अपनापन मुक्ति मार्ग है, अपने में अपनापन ही तो मुक्ति है, मुक्ति मार्ग है, यह सब अनंत सुखमय। अरे चक्रवर्तित्व हमारा ध्येय नहीं उद्देश्य नहीं, बस ओ अखंड यह भरत क्षेत्र है एकमात्र उद्देश्य यही, अरे हमारे साथ सभी आवे बस यही चाहते हम एक रहे, हम एक रहे बस एकमात्र यह चाहे हम। सबसे जुड़ने की अपील अत्यंत सरल परिणामों से, सभी तरह आश्वस्त किया सम्मान किया सद्भावों से, उन सबको बात समझ आई उत्साहित होकर सब आए, जुड़ना सबने स्वीकार किया, सब अपने पन से ही आए। सबने उनका आतिथ्य किया, हर लाद दिया है हारों से, हर अपनी बहन बेटियां दी सम्मान किया उपहारों से, भरत राज ने उन सबको वात्सल्य भाव से अपनाया, आतिथ्य सभी का स्वीकारा और गर्व
गले से लगा लिया। हर एकता से विकास की सीमाओं को समझा कर, हर अखंडता की असीम शक्ति की महिमा बतला कर, सबके मन को उल्लसित किया, प्रिय वचनों से संतुष्ट किया, सबके मन को मन से जीता, सबके मन को संतुष्ट किया। तीन खंड में विद्यमान सब मुकुट बद्ध 16,000 राजाओं के दिल को जीता, वात्सल्य भाव से समझा कर, प्रेम भाव से अपना कर, सबको ही अपना बना लिया। हर एक बूंद भी खून बहाए बिना सभी को जीत लिया। करने